नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी ग्रुप। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। हमें से ज्यादातर लोग बजट में वित्त मंत्री के भाषण के केवल उसी हिस्से को ध्यान से सुनते हैं जिसमें इनकम टैक्स से जुड़ी बातें होती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स और साथ ही डायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे प्रभावित होती है, इसी को एनालाइज करेंगे आज के एपिसोड में। कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव कर सकते हैं और अपने चुने हुए इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले बजट की जहां तक बात है, तो एक बैलेंस्ड बजट रहा इस बार। वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करने के साथ साथ ग्रोथ को कैसे पुश करें और उसे मेंटेन करें, इस रोड मैप को सामने रखा वित्त मंत्री ने। आपने क्या ऑब्जर्व किया, की ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या रही बजट में, और साथ ही बजट के बाद क्या अब हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, पहले अगर हम यूनियन बजट की बात करें तो जैसा आपने कहा कि ज़्यादातर ध्यान जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रहता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, और इस बार शायद कुछ उम्मीद भी ज़्यादा थी। लग रहा था कि कुछ इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, लग रहा था कि शायद ATC की जो एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़ जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि शायद जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी जो एग्जम्पशन लिमिट है 2 लाख से बढ़ के 3 लाख होगी। तो उम्मीदें ज़्यादा थी शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बजट को देखें तो शायद लोगों को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पोर्टफोलियो कि जब हम बात करते हैं, बजट की हम बात करते हैं, उसका दूसरा हिस्सा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बजट को देखें इस बार, क्योंकि ये बजट जो था वो डीमोनेटाइजेशन के बाद आ रहा था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद लोगों को जो तकलीफें हैं उनको कम करने के लिए कुछ रियायत दी जाए। साथ ही अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो यूपी इलेक्शन और स्टेट इलेक्शंस थे, तो ये भी डर था कि कहीं ये बजट पॉपुलिस्ट ना हो। लेकिन आई थिंक अगर हम इसका पूरा क्रेडिट जो है हमें फाइनेंस मिनिस्टर को देना पड़ेगा कि उन्होंने जो फिस्कल प्रूडेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, उस पर ध्यान रखा। उन्होंने अपना फिस्कल डेफिसिट को 3.2 रखा, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो थोड़ा बढ़ जाएगा। उनका जो फोकस एरिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रूरल डेवलपमेंट पे है, और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है ये बजट जो है काफ़ी बैलेंस था, और इसका कोई भी भार जो है किसी भी कॉमन आदमी के ऊपर नहीं पड़ा। ये बात मानता हूँ कि शायद छूट थोड़ी ज़्यादा दे सकते थे, लेकिन जैसा मैंने कहा उनके पास लेगरूम बहुत कम था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो ये काफ़ी अच्छा बजट है। इससे मुझे लगता है कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी दोबारा से अच्छा होगी, क्योंकि रीमोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, इकोनॉमी अच्छा करेगी। और एक और सिनेरियो यहाँ पे अच्छा ये है कि लो इन्फ्लेशन है, लो इंटरेस्ट रेट है। हालांकि RBI ने आज रेट को कम नहीं किया है, लेकिन ट्रेजेक्टरी जो है अभी भी इंटरेस्ट रेट की कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगर पोर्टफोलियो की बात करें, इक्विटी और डेट दोनों के लिए मुझे लगता है आगे आने वाले समय में अच्छा माहौल रहेगा, अच्छा समय रहेगा, और दोनों से ही अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल पाएंगे। तो एक डिफिकल्ट सिनेरियो में भी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बजट पेश हुआ और काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन अल्टीमेटली जो बजट सबके सामने आया वो एक बैलेंस बजट था। अब जब बात हम करते हैं पोर्टफोलियो की, कैसे बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई वो आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है, तो हेमंत ये बताइए कि अभी इंटरेस्ट रेट्स लोअर साइड पे हैं, भले ही RBI ने लेटेस्ट जो पॉलिसी रही उसमें समीक्षा में किस तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अभी भी लोअर साइड पर है, महंगाई भी काबू में है, ऐसे में इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जो यंग इन्वेस्टर हैं, जो 30 ईयर्स से कम जिनकी उम्र है, या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और फर्दर अपने पोर्टफोलियो को एड ऑन कर रहे हैं, कितना पार्ट उनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में करना होगा और कैसे करना होगा? देखिए, पहले सबसे पहले बात करता हूं पोटेंशियल की। जैसा मैंने पहले कहा कि इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें, जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी चीजें चाहिए इक्विटी मार्केट को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वो है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट नीचे है, इन्फ्लेशन नीचे है। इन सबसे अगर रीमोनेटाइजेशन जैसे होता है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंपनीज अच्छा करेंगी और कुछ सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा करेंगे। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी का डेफिनेटली रोल पोर्टफोलियो में बढ़ना चाहिए, लेकिन किस इन्वेस्टर को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी में वो डिपेंड करता है कुछ और फैक्टर्स के ऊपर। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना टाइम होराइजन देख लीजिए, आप देख लीजिए किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और अभी तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किए, तो मुझे लगता है डेफिनेटली शुरुआत की जा सकती है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, चाहते हैं और सोच रहे हैं कि लंबा समय का पैसा है आपके पास, तो आपको जिसको हम बोलते हैं टेक्टिकल जो एलोकेशन करने की ज़रूरत है वो भी इस समय पर की जा सकती है। जहाँ तक आपने कहा कि कोई यंग इन्वेस्टर है, अगर वो जो शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरा हमेशा ही मानना है कि अगर आप उन गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, आपके पास लंबा समय है, 15 से 30 साल तक का समय हो सकता है, ऐसे में इक्विटी जो है, हालांकि हम इस साल की बात करें जैसे मैंने कहा इक्विटी मार्केट डेफिनेटली अच्छा करेगा कुछ सालों में आगे, लेकिन क्योंकि लंबे समय की बात करें तो ये प्रूवन फैक्ट है कि इक्विटीज जो है किसी भी एसेट क्लास से बेहतर रिटर्न देती है, प्रोवाइडेड आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो और एक डिसिप्लिन अप्रोच
के साथ अगर आप इन्वेस्ट करो और जो अपनी टाइम कमिटमेंट है उसमें आप बने रहो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इक्विटी से काफी अच्छी रिटर्न मिलेगी। और जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक इक्विटी में शुरुआत नहीं की, मुझे लगता है वो शुरुआत करने का समय सही समय आ चुका है। तो SIP करने की भी सोच सकते हैं, लेकिन कई और सवाल हैं। एज वाइज भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर आपकी उम्र 30 साल या 30 साल से ज्यादा है तो पोर्टफोलियो आपका कैसा लगना चाहिए। लेकिन जब बात इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की होती है तो एक कंफ्यूजन नए निवेशकों में ये भी रहता है कि क्या डायरेक्टली इक्विटी में पैसा लगा दिया जाए। शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उसको देख के थोड़ा डर भी लगता है। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर जरिया हो सकता है। तो हेमंत, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं नए निवेशकों के लिए, क्योंकि आपने कहा कि बहुत अच्छा टाइम है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का, तो अगर म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना है क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, थोड़ा कंफ्यूजन इस वजह से हो जाता है न्यू इन्वेस्टर्स को, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करें और किन बातों का ध्यान रखें? आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल और काफी अच्छा सवाल है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, क्योंकि एक तो इक्विटी की जब बात करते हैं तो थोड़ा डर इन्वेस्टर्स के मन में रहता है, स्पेशली क्योंकि वो एक ऐसी एसेट क्लास है, हालांकि इसका पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली स्टॉक खरीद सकते हैं। वो खरीदने के लिए आपके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए, उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप समझ सकें कि किस इकोनॉमी में क्या होने वाला है, किस न्यूज़ को कैसे एनालाइज करना है, कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे, कौन से स्टॉक्स अच्छे करेंगे, और जो न्यूज़ आती है, जो डिफरेंट व्यूज़ आते हैं, उसका आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ता है। अगर आप में वो क्षमता नहीं है, और ये मैं बता दूं कि अगर आप अच्छी तरीके से स्टॉक को चुनाव करते हैं तो इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो आपको काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन वहां पे अटेंडेंट रिस्क है जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है। अगर क्षमता नहीं है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि एक तो वो डाइवर्सिफाइड है, एक आपका अगर 5000 भी इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 40 या 50 कंपनीज में आपका पैसा जाता है। आपके जैसे हजार लाखों इन्वेस्टर्स हैं जो उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, टैक्स बेनिफिट भी मुझे लगता है डायरेक्ट से बेटर है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक साल के अंदर कोई शेयर बेचते हो डायरेक्टली तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर कोई भी सेल करता है क्योंकि आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपको टैक्स नहीं कर पे करना है, तो टैक्स एफिशिएंसी भी ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत तरीके के फंड है आपके पास, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो मुझे लगता है जो नए इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी इंपॉर्टेंट है कि आप उन फंड्स में जाएं जिनका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड में आप पैसा मत लगाइए, क्योंकि इक्विटी जो है एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है। पहले आप उससे फेमिलियर हो जाइए, पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर आगे जाके आप ऐसे एग्रेसिव फंड्स को सोचिए। शुरुआत कीजिए वेल डाइवर्सिफाइड फंड से, और अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो इक्विटी से आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अग्रेसिव आपने शब्द का इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगी हेमंत आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जैसे हम अलग अलग एक्सपर्ट से बात करते हैं तो कुछ एक्सपर्ट सेक्टोरल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, हालांकि ये इंडिविजुअल की रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है कि वो कितना जोखिम ले सकते हैं या फिर यूं कहें कि कितने समय के लिए निवेश करना है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे जो न्यू इन्वेस्टर है, क्या उसको शुरुआत में सेक्टोरल फंड्स का रुख करना चाहिए या फिर पहले वो समझ ले कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह से काम करते हैं और जिस फंड का चुनाव वो कर रहा है वो किन सेक्टर्स में किन कंपनीज में निवेश करता है? तो क्योंकि स्पेसिफिकली मैं न्यू इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूं यहां पर, सेक्टोरल फंड्स को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए पल्लवी, क्योंकि हम यहां पे न्यू इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं और जैसा मैंने पहले कहा, इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव एसेट क्लास है, वो वॉलेटिलिटी होती है उसके अंदर समय समय पे, हालांकि उसमें पोटेंशियल जो है लॉन्ग टर्म का काफी अच्छा है। अब एज ए न्यू इन्वेस्टर पहले आपको उससे फेमिलियर होना है, आपको समझना है कि उसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते कि आप जल्दीबाजी में ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करें और फिर एक दो साल के बाद आपको लगे पैसे का नुकसान हो गया और फिर दोबारा से आप ना जाएं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड, म्यूचुअल फंड बाय इटसेल्फ डाइवर्सिफाइड है, उसमें भी आप अगर डाइवर्सिफाइड फंड में जाए, मल्टी कैप फंड जो होते हैं, देखिए इक्विटी मार्केट में 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। पोटेंशियली जो है मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप अच्छे हैं। अब किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि कितना प्रपोर्शन हम कितने सेगमेंट में डालें। तो मेरी सलाह हमेशा यह है कि आप उन मल्टी कैप फंड में जाइए जहां पे 50-60% पैसा जो है वो लार्ज कैप में हो और 40-50% पैसा जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हो। सेक्टोरल फंड नए इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए नहीं सही है क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है जहां वो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत नैरो है, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी कारण से वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है एक या साल तक या 6 महीने तक, तो आपका पूरा जो पोर्टफोलियो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो अच्छा नहीं कर रहा है। जबकि अगर कोई पोटेंशियली अच्छा सेक्टर है,
अच्छा फंड मैनेजर मल्टी कैप फंड में इंश्योर करेगा कि उस सेक्टर में उनका अच्छा एक्सपोजर हो, और जब समय आएगा उनको लगेगा कि इसमें से पैसा निकालना है तो वो अपने आप निकालेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है आप वेल डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड में जाइए, एक बार आप फेमिलियर हो जाएं तब आप इंडिविजुअली मिड कैप या सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लें कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, एक साइज बना लें पोर्टफोलियो का, उसके बाद ही इस तरह के फंड्स को आप अपने आइडियल साइज क्या होना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो हम तैयार कर रहे हैं तो आइडियली कितने फंड्स होने चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर ताकि हम मैनेज भी कर सकें उसे समय पर? देखिए ऐसा कुछ यूनिवर्सली हम बोल नहीं सकते क्या साइज है, बट मेरा ये बोलना है कि अगर हम एक आम इन्वेस्टर की बात करें जो अपने डिफरेंट गोल्स के लिए एसआईपी के द्वारा अगर मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 या 6 फंड्स, मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपके 3 गोल हैं तो आप 3 गोल्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाइए, एक ही पोर्टफोलियो को कंबाइंड मत बनाइए क्योंकि उसको मॉनिटर करना उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैं मान लीजिए 3 या 4 गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ओवर ए डिफरेंट पीरियड जिसमें बैलेंस फंड और इक्विटी फंड है तो मुझे लगता है 6-7 फंड हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं एकदम से, अगर मान लीजिए 5000 से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम 2 फंड, पूरा पैसा एक फंड में मत लगाइए क्योंकि अगर वो फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करेगा। दूसरी बात, जब सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट करते हैं 2 फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि आप डिफरेंट डेट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मंथ के अंदर जो वॉलिटिलिटी है उसका फायदा भी आपको होगा, और डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट फिलोसफीज के फंड में आप अच्छा पोर्टफोलियो उस तरीके से बना सकते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है उस पर भी निर्भर करेगा। आमतौर पर 3 यू नो मेजरली लक्ष्य होते हैं, टारगेट्स होते हैं कि आपके इमीडिएट टर्म्स में अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या कोई बड़ा एक्सपेंस करने की सोच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसके भी कुछ ऑप्शंस हम हेमंत से जानेंगे। लेकिन मेजरली एक तो रिटायरमेंट की प्लानिंग और साथ ही बच्चों की पढ़ाई और शादी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो क्या इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए इक्विटी आपको लगता है बेस्ट एसेट क्लास है या फिर और जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, फिर चाहे डेट की बात करिए, रियल एस्टेट की बात करिए या फिर गोल्ड की, अगर हम रिटर्न्स के लिहाज से कंपेयर करें तो आपको लगता है इक्विटी बीट करता है इन सभी एसेट क्लासेस को? ये तो प्रूवन फैक्ट है कि अगर हम डिफरेंट एसेट क्लासेस को कंपेयर करें, देखिए यहां 2 एंगल हैं। एक तो ये कि इसकी इक्विटी की परफॉर्मेंस कैसी है विज़िवी अदर एसेट क्लासेस, तो इक्विटी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है हमेशा, स्पेशली अगर आपने लॉन्ग टर्म और सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट किया है। दूसरी बात, जो हम रियल एस्टेट की अगर आप बात करते हैं एज ए एसेट क्लास, उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बड़ा पैसा चाहिए। अगर हम उन निवेशक की बात करें जो शुरुआत करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो उनके पास उस तरीके का पैसा होगा नहीं कि वो रियल एस्टेट खरीद सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपने मेजर चंक अपना पैसे इन्वेस्टमेंट का आपने रियल एस्टेट में लगा दिया, आपको समय समय पे डिफरेंट गोल्स हैं आपके, कुछ पैसा आपको 5 साल बाद चाहिए, कुछ 10 साल के बाद चाहिए, कुछ 15 साल के बाद चाहिए। अगर आपने पूरा पैसा एक एसेट क्लास में लगाया जो फाइनेंशियल एसेट क्लास है रियल एस्टेट, जब आपको पैसा लगेगा आप क्या करेंगे, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, ये भी हो सकता है कि जो दाम आपको सही मिलना चाहिए वो ना मिले। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप टुकड़े में प्रॉपर्टी को बांट के उसको बेच के पैसा निकालेंगे, या तो आपको पूरा पैसा बेचना है, पूरा प्रॉपर्टी बेचना है, या फिर आप किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि किसी भी निवेशक के लिए रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप देखें, तभी देखें जब आपके पास फाइनेंशियल एसेट इतनी हो कि आपके जितने भी गोल्स हैं उसको आपने अचीव करने के लिए अरेंज कर लिया है। तब तक मुझे लगता है पूरा फोकस जो आपका फाइनेंशियल एसेट्स क्लास में होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म अगर है तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड्स को देखिए। मीडियम टर्म अगर 3 या 5 साल की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिड फंड जहां पे इक्विटी और डेट का मिक्स आता है वो देखिए, और अगर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप डेट फंड्स को देखिए। और उसमें भी स्पेशली अगर हम अब बात करें, जैसे आरबीआई ने रेट कट अभी नहीं किया है तो वहां पे भी जो एग्रेसिव फंड्स हैं, मीडियम टर्म फंड जिसको बोलते हैं या लॉन्ग टर्म जो डेट फंड बोलते हैं, वहां पे इन्वेस्ट मत कीजिए। शॉर्ट टर्म फंड और वो इनकम फंड जो एक्रूअल स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं उन फंड्स में लगाइए ताकि आप जरूरत से ज्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में ना लें।